हेलो गाइस, दिस इज हर्षित। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चार्जर के बारे में। दोस्तों चार्जर अलग अलग टाइप के आते हैं और मार्केट में दोस्तों अलग अलग टाइप के आप चार्जर देख भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों कौन सा चार्जर आपको लेना चाहिए, कितने वॉट का लेना चाहिए, कैसे आप वॉट निकालते हैं, या फिर आपका स्मार्टफोन कहीं डैमेज तो नहीं हो जाएगा अलग चार्जर से, दोस्तों इस वीडियो में हम सारी बातें बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को बिना देरी के चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि आपके चार्जर को वोल्टेज, आपका आउटपुट जो होता है वो कितना होता है, कैसे देता है, और आपका स्मार्टफोन कहीं उससे डैमेज तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों क्या होगा कि आप अगर अपना चार्जर उठाएंगे, मान लीजिए आपका चार्जर ख़राब हो गया और आपको लेने जाना है दूसरा चार्जर, तो आप क्या करिए, आपका सिंपल सा चार्जर जो है उसे आप उठाइए और उसका वॉट देख लीजिए। दोस्तों वॉट सीधा सीधा लिखा नहीं होता है, लेकिन आपको एम्पियर और आपका जो वोल्टेज होता है उस पर लिखा होता है और उससे फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों सिंपल वोल्टेज और वो जो एम्पियर लिखा हुआ है उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोस्तों जितना आएगा उतना वॉट होगा। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, उसमें मिली एम्पियर ना लिखा हो, मिली एम्पियर की जगह उस पर एम्पियर लिखा हो। अगर आपको मिली एम्पियर लिखा है तो आप सीधे सीधे कन्वर्ट कर सकते हैं, नीचे जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं एम्पियर में। तो दोस्तों बात करते हैं कि आपका वॉट जो है वो कितना होना चाहिए ताकि आप नए चार्जर को ले पाएँ। अब बात ये आती है कि आप नया चार्जर ले रहे हैं तो कौन सा ले रहे हैं। आपको अगर Xiaomi का फ़ोन है तो Xiaomi का फ़ोन का चार्जर आपको Xiaomi का ही लेना पड़ेगा। अगर आप अलग लेते हैं तो आपको रिस्क उठाने पड़ सकते हैं। दोस्तों आपका बैटरी लाइफ ख़राब हो सकता है, या फिर आपका बैटरी का जो दिन होता है, जो लाइफ स्पैन होता है, वो ख़त्म हो जाएगा और कम दिन तक आपकी बैटरी चल पाएगी। और उससे क्या होगा, आपकी बैटरी को तो डैमेज होगा ही होगा, साथ साथ आपके फ़ोन को भी डैमेज होगा, क्योंकि आप उसे कम पावर और कम कंजप्शन के साथ चला पाएंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और आप ज़्यादातर टाइम में अपने फ़ोन को चार्ज में लगाते हुए ही घूमे नजर आएंगे। तो दोस्तों जो सेकंड बात आती है वो ये है कि आपको अपने फ़ोन को अगर आपका लेना ही है अलग चार्जर, तो क्यों ना आप उसी ब्रांड का ले लें जिसका आपका फ़ोन है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, आपको फ़ायदा मिलेगा, थोड़ा सा लाइफ टाइम बढ़ेगी, आपकी बैटरी बढ़ेगी और आपको बैटरी को ख़तरा भी नहीं रहेगा। आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है असली चार्जर लेने के लिए, लेकिन आपको लेना अगर है अलग चार्जर तो आप उसी फ़ोन का लें। दोस्तों अगर आप अलग ले लेंगे तो आपको ये दिक्कत होगा कि आपकी बैटरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो आप क्या करिए, आप उसी कंपनी का चार्जर ले लीजिए, आपके सर्विस सेंटर जो भी आसपास है आपके उससे। तो दोस्तों बस इतनी सीधी बात, और अगर आपको समझ में आ गया कि आपको चार्जर उसी कंपनी का लेना चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वो लाल वाला बटन है उसको नीचे दबाने से उसे आप ग्रे कर सकते हैं। दोस्तों आप उसे ग्रे करने के बाद एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको सारी इस टाइप की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आएंगे। तो आपको दोस्तों इससे बहुत ही आसानी से फ़ायदा मिलता है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना है। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर। मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं टेक इनोवर्स।